हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम जब अपने ब्लॉगर पे कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में हम अपने ब्लॉगर का लोगो कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिंपली एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर अभी ब्लॉगर को अपने ओपन करते हैं, ब्लॉगर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। अभी हम देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई जूम करके ब्लॉगर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अभी ये लोडिंग ले रहा है और लोडिंग लेने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। और फिर हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सिंपली विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे ब्लॉग में कोई भी लोगो शो नहीं हो रहा है। ये सिंपली से यहाँ पर एक लोगो नहीं है तो ये हम कैसे सेट करें, उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कुछ और बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है blogger.com। हम यहाँ पे अभी blogger.com सर्च करते हैं। blogger.com सर्च करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी से इसमें साइन इन है या फिर आपने ब्लॉगर बना रखा है, आपको सिंपली उससे यहाँ पर साइन इन कर लेना है। और साइन इन अभी हमने यहाँ पर कर दिया है फ्रेंड्स, और ये साइन इन हो रहा है हमारा अभी। और साइन इन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और यूज़र सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है एडिट पर। और एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिंपली पहले दिख रहा होगा प्राइवेसी, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा प्रोफाइल फ़ोटो। आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली कोई भी आपका एक फ़ाइल ओपन कर लेना है। और फाइल ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से अपना वीडियो फाइल या फिर गैलरी ओपन कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से कोई भी एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर बनाना है या फिर जो भी आपको अपना लोगो लगाना है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए और सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे लोडिंग लेगा। और लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, आपको यहाँ लिखा ऊपर आ जाएगा यू सेटिंग हैज़ बीन सेव्ड वाई योर प्रोफाइल। आपको सिंपली वही योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। और देखिए, अब आपके यहाँ पर जो भी एक लोगो है वो यहाँ पर सेव हो गया। हमने अभी ऐसे ही कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया था। आप यहां पे सिंपली अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने यहां पे प्रोफाइल में लोगो लगा सकते हैं। और बैक आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो हम अभी यहां पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं सिंपली और देखते हैं हमारा अभी यहाँ पर ब्लॉग का कुछ किस तरह का इंटरफेस है। अगर हम फिर से यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो देखिए, अब हमारे यहाँ पर एक लोगो सा लग चुका है। अगर हम यहाँ पर विजिट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो ये हमारे यहाँ पे सिंपली एक अच्छा सा लोगो लग गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपना लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने को सब्सक्राइब करना ना भूलें।